वंदनीय संत समाज, सभी साधक एवं साधिकाएं, आप सभी को मेरी साहेब बंदगी। यहां मैं एक बात की उत्सुकता के कारण आया, वह बात यह थी कि मेरे नाना ने मुझसे कहा कि अरे चलो वहां का जीवन जी के देखो कैसा होता है वहां का जीवन। मैंने सोचा इतने साल से एक जिंदगी तो जी रहे हैं, चलो नई जिंदगी जी के देखते। यहां आते ही जैसे ही मैंने आश्रम में कदम रखा, यहां की हवा, यहां का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र है। अपने भाषा में कहूं तो यहां की वाइब काफी अच्छी है। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे नाना जी ने अपने सानिध्य में मुझे यहां लाया, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। इंसान उन चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है कि सामने वाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिले और वो चीज आपके लाइफ में घटित हो। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं साधना में बैठा था, मेरे मन में कई प्रकार के विचार उठ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो विचार क्यों उठ रहे हैं, कई विचार तो विचलित करने वाले थे। मैं सोच रहा हूं मैं ये सब क्या सोच रहा हूं, लेकिन हमारे पूज्य श्री जब विवेक साहेब जी ने इस बात की व्याख्या की कि भाई दिन भर में या पूरे दिन में हमारे अंदर जो हम देखे सुने अपने इंद्रियों से ग्रहण किए रहते हैं, वही चीज हमारे अंतर मन में संस्कार के रूप में संग्रहित हो जाती और वही विचार उठते हैं। जब तक कि आपको यह पता ना हो कि इसका आधार क्या है, यह चीज कहां से उत्पन्न हो रही है, तो आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आपको आधार पता चल जाए तो आप रोकने के लिए कुछ कर सकते। विवेक साहेब जी ने जब व्याख्या की, तब ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन पहले से जो विचार अब मेरे मन में उड़ते हैं उन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि आ रहे हैं तो नहीं, इग्नोर। और हमारे पूज्य साहेब श्री धर्मेंद्र साहेब जी की एक बात बहुत ही मेरे जीवन में बदलाव लाई, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। साहेब जी ने कहा, यहां आके आप और कुछ सीखो चाहे मत सीखो, संतोष करना सीखो। संतोष करने से एक खुशी, मैं अपना बता रहा हूं कि एक खुशी और एक जो बड़प्पन महसूस होता है, ये सुख मैंने बाहर कभी नहीं लिया संतोष करने का। मेरी छोटी बहन है, मैंने कभी संतोष नहीं किया कि हाँ कुछ चीज है मेरे को ज्यादा चाहिए तो चाहिए, मैं बड़ा हूं मेरे को ज्यादा चाहिए, अब मुझ में संतोष है कि हाँ संतोष करने से भी खुशी मिलती है। अगर कोई विरक्ति में नहीं भी जाना चाहते हैं, अपना दैनिक जीवन ही जीना चाहते हैं, तो भी आप सदगुरु, यहां के जो सदगुरु हैं उनका सानिध्य कीजिए, क्योंकि सतगुरु जी से जिनका संबंध है, सतगुरु जी से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो शिविर में आइए और यहाँ के सद्गुरुओं का सानिध्य कीजिए। धन्यवाद साहेब बंदी।